उनकी मदर जो महमूदा नाज है वो और आरफिन शाह जो कि मेरा क्लासमेट था, उन्होंने मुझे काउंसिल करा कि हम लोग बड़े कंजर्वेटिव सोच के बंदे हैं, हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी में आपको रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं बोलेंगे, लिबरल सोच के हैं हम लोग, यही काम करते हैं कि जो लड़कियां विडो डाइवोर्स होती हैं उनको चुन्नी देते हैं सो दैट कि उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाए और वो जी सके लाइफ में अच्छे से। तो एज एन अलोन वूमेन मुझे भी उस टाइम लगा कि मुझे सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो ये लोग मुझे सहारनपुर में कलेर शरीफ जगह है यूपी में, वहाँ ले गए, वहाँ पे इन्होंने मेरा निकाह एज पर मुस्लिम नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से करवाया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि जब इन्होंने बोला कि हम लोग कंजर्वेटिव हैं, तो वहाँ पे जब निकाह नामा पे इन्होंने मेरा नाम नीतिका से नफीजा अरफिन शाह लिख दिया, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैंने इनको पूछा आपने मेरा नाम चेंज कर दिया, तो माय मदर इन लॉ एंड माय हस्बैंड बोथ टोल्ड मी इट वाज जस्ट एन फॉर्मेलिटी ऑन पेपर। उसके बाद ये लोग मुझे हरिद्वार ले गए हैं, हरिद्वार में हिंदू रिलीजन के हिसाब से इन्होंने मनसा देवी में मेरी शादी करवाई है। मेरे पास सारी फोटोज और सारा कुछ मेरे पास डिटेल है इनकी, वो करवा के ये लोग उधमपुर आ गए हैं और मैं जलंधर में थी। आफ्टर 2 or 3 days इन्होंने मुझे उधमपुर में बुलाया, मैं उधमपुर आई हूँ, 2 days वॉज नॉर्मल, और 3rd day मेरे हस्बैंड आरफिन शाह, मेरी मदर इन लॉ महमूदा नाज, मेरे फादर इन लॉ मकबूल शाह, मेरे ब्रदर इन लॉ सैयद इरफान शाह, इन्होंने रात को मेरी ये काउंसलिंग करी कि आप मेरे फादर से शादी कर लो। तो देट वॉज शॉकिंग फॉर मी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बोला कि आई वॉज अनेबल टू मेक फिजिकल रिलेशन विद माई हस्बैंड फ्रॉम 2007 बिकॉज आई वॉज द पेशेंट ऑफ कैंसर। तो जो घर की बात है वो घर में ही रहेगी। तो रात के 2 बज रहे थे, मैंने अपोज किया, मॉर्निंग में जब मैंने उनको ज्यादा अपोज किया तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम पे कर देते हैं कि तू मान जा, अगर तू फिर भी नहीं मान रही तो हम ऐसा करते हैं, उन्होंने आरफिन शाह को बोला कि 20,000 दे के तू रख ले या 20,000 दे के मैं महीने पे इसको रख लेता हूँ, ये वर्डिंग यूज की। मैंने अपने मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पे कुंजवानी में शिफ्ट हो गए। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने ये प्रिटेंड किया कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं हुई तो छोड़, एवें बोल रहे हैं। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो वो मुझे रोज़ कहना शुरू हो गया कि नहीं कर लेना, घर की बात घर में है, कौन सा पता चलेगा कुछ। बेसिकली दे वॉन्ट टू इन्वॉल्व मी इन प्रोसिक्यूशन।